नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई इंडियन एयरपोर्ट, जी हाँ साथियों, दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बारे में। जी हाँ, इसमें एक अच्छी न्यूज निकल के आ रही है। अभी इस मंडे को बता दूं, जनवरी 2021 में अच्छी न्यूज ये है कि पहले आपको पता है, आप अभी भी आप जैसे विदेश में जाते हैं तो एक बोर्डिंग पास की आपको जरूरत होती है, और बोर्डिंग पास को चेक करवाने के चक्कर में आपको लाइन में लगना पड़ता है, बहुत सारा टाइम आपका खराब होता है वगैरह वगैरह। लेकिन इस चक्कर से झंझट अभी मिलने की बहुत जल्द ही शुरुआत हो जाएगी, और शुरुआत हो चुकी है, टेस्टिंग भी हो चुकी है। जी हाँ साथियों, बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं होती, आपका सिर्फ फेस, ओनली आपके फेस से आपका बोर्डिंग पास मान्य हो जाएगा, बायोमेट्रिक से मान्य हो जाएगा। डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको अलग कंट्रीज से रिलेटेड आपको सही न्यूज आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। वहां पे बता दूं, एयरपोर्ट के ऊपर एक हालांकि अभी टेस्टिंग की जा रही है, बहुत सारी एक फ्लाइट है उनकी टेस्टिंग हो रही है, दूसरी भी फ्लाइटें अभी धीरे धीरे जुड़ जाएंगी। उसमें होगा क्या कि आपको बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका फेस एक बार आपका कैमरे जो सिस्टम में कैच हो गया वो परमानेंट रहेगा, आपके बायोमेट्रिक है वो उसमें कैच हो जाएंगे, आपको फेस ही आपका बोर्डिंग पास बन जाएगा। जी हाँ साथियों, झंझट करने की, टाइम लगाने की, बोर्डिंग पास को संभाल के रखने की, इन चीजों से आपको छूट बहुत जल्दी मिलने वाली है। जी हाँ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ से बताया गया, हालांकि इस जो प्रयास है P3 जिनको नाम दिया गया, इसको पहले भी एक बार प्रयास किया जा चुका है, लेकिन अभी इसको बड़े स्तर पे बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ किया जा रहा है, जो जी हाँ साथियों, जो जापान की टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके साथ मिलके इसको प्रयास किया गया। अभी इसको एक एयरलाइंस के साथ शुरू किया, लेकिन आने वाले में इंडिया की जो एयरलाइंस है उनके साथ भी जल्दी शुरू करने की पूरी पूरी संभावना बताई गई है। इसमें आगे ये भी बताया गया, डीजी सिस्टम से जो यात्री है उनका उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की जा रही है, ताकि उन यात्रियों को आगे बेनिफिट हो जाए कि भाई उनको लाइन में नहीं लगना पड़े और यात्रियों की बजाय। जी हाँ, यात्रा करने वाले डीजी यात्रा सिस्टम से यात्रा करने वाले यात्रियों का फेस, उनका बायोमेट्रिक एक बार आपके लिए सिस्टम में कंप्यूटराइज में वो सिस्टम में रजिस्टर्ड हो गया तो लाइफ टाइम के लिए सेम रहेगा। फिर आप जब भी दोबारा यात्रा करेंगे तो आपको इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप शॉर्ट तरीके से एकदम कम समय में बोर्डिंग पास करके निकल सकते हो। तो ये भीड़ भाड़ से बचने का एक इंडियन एयरपोर्ट का बहुत ही एक अच्छा सुनहरा, मैं मान सकता हूं, उसका प्रयास किया जा रहा है, और आगे आने वाले 2021 में मुझे लगता है ये सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये आप लोगों के लिए, जो यात्रा ज्यादा यात्रा करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा काम आने वाला है, जो साल में 10-15 यात्रा करते हैं, महीने में 2-3 यात्रा वगैरह वगैरह, जो बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेवल्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज ये है। जी हाँ, बस छोटी सी अपडेट आपको देनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।